हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आराधना कुक हाउस में। मैं हूँ आराधना सिंह। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आम और हरी मिर्च का बहुत ही टेस्टी अचार। मैंने 1 किलो आम लिया है, इसको मैंने अच्छे से धो के फिर सुखा के छील के काट के रख लिया है और इसको मैंने सुखा दिया था काटने के बाद 1 घंटा धूप में। और ये 300 ग्राम मिर्ची है, इसको भी मैंने धो के सुखा के फिर काटा है और थोड़ी देर इसको भी मैंने धूप में ही डाल दिया था आम के साथ ही 1 घंटे के लिए। और ये मैंने कुछ मसाले ले रखे हैं। 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए, और 2 बड़े चम्मच सौंफ, 1 बड़े चम्मच कलौंजी और अजवाइन और मेथी, 1 चम्मच लिया था मैंने। इन सबको मैंने कूट लिया है, पंचफोरन को कूट लिया है मैंने। और ये धनिया पाउडर है और ये 2 बड़े चम्मच है काली वाली सरसों, इसको भी दरदरा कूट लिया है मैंने। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। आम को और हरी मिर्च को एक साथ डाल देंगे। और सारे मसाले डाल दूंगी मैं भुने हुए। नमक 2 बड़ा चम्मच है, नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे। और 1 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। दो बड़े चम्मच सफ़ेद विनेगर है सिरका। और इसमें तेल डाल देंगे, सरसों का तेल है ये। एक कटोरी तेल लिया है मैंने, आधा डाल दिया है, थोड़ा सा रख लिया है, बाद में डालेंगे इसको। इन सबको अच्छे से मिला देंगे। मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको एक डिब्बे में रख देंगे। सिरका डालने से हमारा अचार लंबे समय तक चलता है। इसको मैं धूप में रख दूंगी, 6 से 7 दिन के बाद आप इसको खा सकते हैं और ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। Thank you.